आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question says, in each question given below, a statement followed by two assumptions, number 1 and 2. An assumption is something supposed or taken for granted. You have to consider the statement and following assumptions and decide which of the assumption is implicit in the statement. A statement is, success is how much a person bounces up after hitting the bottom. Now, assumption 1, success requires conscious effort without being discouraged by failure. Now, second assumption, failure cannot be considered an acceptable thing. Now, four options are given. So, यहाँ पे देखिए statement बोली गई है. Statement क्या कहा जा रहा है कि success is how much a person bounces up. कह रहा है success क्या है? So, success is how much a person bounces up after hitting the bottom. So bottom hit करने का मतलब क्या है? After hitting the bottom. Bottom hit करने का मतलब ये है कि failure के बाद कोई भी इंसान कितना ज्यादा bounce up करता है, कितना ज्यादा दोबारा कोशिश करके उन चीजों को पा लेता है, तो ये होती है आपकी success, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए सोच के बोला गया, तो पहला assumption कहता है success requires conscious effort. जो success है उसको लगातार प्रयास चाहिए, conscious effort without being discouraged, वो हार ना माने, discouraged by failure, वो failure से discouraged ना हो, और कितना ज्यादा वो कोशिश करता है, ये होता है आपके पास success, ऐसे मिलती है आपको success, ठीक है? तो यहाँ पे क्या ये जो स्टेटमेंट बोली गई है कि सक्सेस इज हाउ मच ए पर्सन, कोई पर्सन कितना बाउंस बैक करता है बॉटम हिट करने के बाद, फेल होने के बाद, ये स्टेटमेंट बोली गई है। तो क्या सोच के बोली गई है? यही सोच के बोली गई है कि सक्सेस को क्या चाहिए? सक्सेस को कॉन्शियस एफर्ट चाहिए, लगातार अथक प्रयास चाहिए, उसे फेलियर से हारना नहीं है, तभी सक्सेस मिलेगी। तो डेफिनेटली ये चीज लेकर के बोला गया होगा सोच के। देन यहाँ पर सेकेंड अजम्पशन क्या कहता है? Failure cannot be considered an acceptable thing. तो यहाँ पे देखिए ये आपका assumption wrong है। क्यों wrong है? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि फेलियर जो है उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते एक्सेप्टेबल थिंग। तो अगर देखें यहाँ पर बात हो रही है कि सक्सेस जो है वो कैसे मेजर करते हैं, कोई भी पर्सन कितना सक्सेसफुल है, जब वो बॉटम को हिट करने के बाद, फेल होने के बाद वो कितनी मेहनत करता है, कितना बाउंस बैक करता है। तो यहाँ पर फेलियर की बात ही नहीं हो रही कि फेलियर जो एक्सेप्टेबल थिंग है या नहीं है, तो ये सोच करके स्टेटमेंट नहीं बोली गई है, इसीलिए यहाँ पर सेकेंड वन रॉन्ग है। तो यहाँ आपके पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, इफ ओनली अजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।